जय जगन्नाथ। प्रत्येक भक्त आज से प्रभु को दर्शन करने को आसी था श्रीमंदिर को, जेहेतु आज अमावास्या चितालागी अमावास्या एवं महाप्रभुंकर जो श्रावण मासर संक्रांति श्रीक्षेत्र चलचंचल लोकनाथ पीठ से एवं श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुखें भक्तंकर समागम अनेक देखा मिलूँ। से भक्त मानक नहीं आम स्वतंत्र कार्यक्रम भक्तों अंतरंग आलाप करथाउ। प्रथम भक्त को स्वागत करी। जय जगन्नाथ। मो ना श्रीकांत बेहरा, मु आठगढ़ बीरकिशोरपुर आठगढ़ आप श्रीक्षेत्र को आज पवित्र संक्रांति पुणे अमावास्या चिंता करसवा चिंता करी कि कल रात पर्यंत भी फाइनाल हो ना मानने ठीक हो पार ना आसवि बोली रात जगन्नाथ प्रभु एमती कृपा है से आर वर्ष यही दिन में मो मैंने मो वाइफ की नहीं स्त्री की नहीं आसती आज सी मुकुटी आसे प्रति समावासी सी कहला मुझी किमी कि पिस्थित पड़ा आसवाक समय हो ना मानने सुविधा होता कि भगवान जगन्नाथ एमती कृपा आम ठीक आसी पारू आ पु झी को आनीपारु से पढ़ाई ये अच्छे से आनीपाल मो स्त्री आस प्रत्येक अमावास्यार आसत कहीं अमावास्या दिवस को आपड़ बाछले कि प्रभु को जी पूरी जा दर्शन कर अमावास्यार एक्चुअली मुझे छोटे बिजनेस कर दुकानटे करम बजार अमावास्या दिन ही बंद रुए तेणु प्रति अमावास्या मुझे चिंता कैसे प्रभु पाक आसी टे बुले प्रसाद खाई प्रसाद नहीं खुशी जावाई प्रभु को दर्शन करने को मत भल लगे। जो दिन व्यवसाय बंद रही था कम न था समय को इड़े नद प्रभु पाखे देवा ही श्रेयस्कर मनती से क्षेत्र को आसले किसी अनुभव कर अनुभव तो बहुत कै ठाकुर मत बहुत भल लगे बिजनेस बंद थी दिन आसे अन्य दिन भी आसे एवं मौसमा मंदिर आसती आथर भी ठाकुर देखी आहुत अनुभूति अच्छी ठाकुर बहुत भल लगे अनुभूति बहुत अच्छी ठाकुर ठाकुर अनुभूति अनेक रखिंट कौन ठाकुर अनुभूति पाई अनुभव करम भक्त मानक कहत अनुभूति तो बहुत अच्छी एबे गोटे दिन मु ठाकुर को पूजा करी सका बिजनेस तो सब ऊपर चढ़ा अच्छी से दिन किसी पैसा दरकार मैंने तुमको पेमेंट कर कथा दे प्रभु को दीप लगे दीप दे सारापर कहली प्रभु को कहली प्रभु आज केमी जवाब तो देमी कौन देवी पैसा पैसा तो पाखे ना ये कहीक ठाकुर को मुनिया मारि मुनिया मारि सारिक जस्ट मुनिया मारिक बाहर को जाइए मोर जे सांग आसला कहला अरे मुझे जन रु 10,000 टाँह आनी आटा तो कम लगलानी तू रखीदे मु पचिका देवी जो से मसर पैसाटा तू रखीदे बार मस रहा मु ठाकुर को मुनिया कहीक आसिक पहुँची सागे सागे से मतलब से कथा कहला मैंने प्रभु को जिते मुझे जनाए जो जिनस सागे सागे से जिनस ठाकुर जीक कर दिखे व्यवसाय मुख्यतः जितेबले पार्टी की पेमेंट करिबारे रही टिके चिंता आसे से चिंता को बा से समस्या को समाधान अति सरल भाव में महाप्रभु आपंकर करते मैंने व्यवसाय ठीक चलती प्रभु ये तो व्यवसाय कथा कहला आउ कौन कह गोटे अनुभूति हूँ मुझे केबे मु चंदन यात्रा देखि नथिली पुरी रे चंदन यात्रा से मु चंदन यात्रा देखिया पई सांग मानकु डाकली से जेहेतु गरम होतै खरा होतै से माने के राजी हेलेनी मु कहली जेहेतु मु चंदन देखिया के इच्छा अछि आ चंदन यात्रा देखिया को जीवी आसली चंदन यात्रा सकबा आसी पहुँची बस रे पळे आसली आसी के भीतर रहली चंदन यात्रा देखि आराम रे चंदन ठाकुर जो प्रोसेशन हो गले चंदन गली चंदन पुखे देखली ठाकुर देखिक बहुत बढ़िया से दिन अनुभूति है चंदन लगे केमती ठाकुर जामी नाच हो बहुत जिनस देख बढ़िया खुशी लगला आ बहुत खुशी से मुझे चंदन पोखरी टू मैंने नरेन्द्र पोखर टू चली चली पलि मंगला मंदिर मैं बाट मंगला पाखक एत खुशी खुशी लगू थे हाँ मुझे एका आसी जगन्नाथ एत सुविधा जात्रा देखेले आउ कौन मुझे सुविधा घर को जापरि एमती है मंगला मंदिर पाखे जा मंगला पाखे दीपजा मुझे जाए जा बाहर मुझे सेकड़ सैड्रे ठिया गोटे गोटे कार्टे लगे मत कहले से प्रभु जगन्नाथ मुझे प्रभु एत तो सुंदर जात्रा देखिली एत सुंदर आसली आउ कौन सुंदर घर टे पहुँची पारे भल एमती जाकड़े ठिया गोटे कार्टे लगे सी मुझे कहली भाई कुआ जी ना आपड़े जी मुझे मुझे भुवनेश्वर जी ना हाँ बसंतु बसली पूरा एसी
ମାନେ ପୁରା ଚିଲ୍ ଏସି ପୁଅ, କମ୍ ବୟସର ପିଲାଟିଏ, ସେ ପୁରା ଏସି ଲଗେଇ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘଣ୍ଟାକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମାନେ ଏଇଠି 6ଟାରେ ବାହାରିଲି, 7ଟା 5:30ଟାରୁ 6:30 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଳ୍ପନାରୁ ପଳେଇଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ସାଇଡ଼କୁ ଗାଡ଼ି ମିଳିବନି, ଆଠଗଡ଼ ସାଇଡ଼ କଟକ ସାଇଡ଼କୁ ମୁଁ ପଳେଇଲି, ରସୁଲଗଡ଼ ପଳେଇଲି। ରସୁଲଗଡ଼ ଜଷ୍ଟ ସେକଡ଼ ସାଇଡ଼ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଲା, ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ବସିଲି, ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯାଇକି ମୋତେ ମଙ୍ଗୁଳି ଛର୍ଚ୍ଚି ସାରିଦେଲା। ମଙ୍ଗୁଳିରୁ ଜଷ୍ଟ ସେକଡ଼କୁ ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ଲାଗିଛି, ସେ ନେଇକି ମୋତେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଛାଡ଼ିଲା। ଖୁଣ୍ଟୁଣିରେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ, ମାନେ 8:30 ହେଇଠି ମୁଁ ଯାଇକି ଖୁଣ୍ଟୁଣି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମର ସେ ପୁତୁରା ହେରିକା ଖାଉଥିଲେ ସେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଆମର ଗୋଟେ ଢାବାରେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଦାଦା କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ପୁରୀରୁ ଆସିଲି, ନା ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ମାନେ 9ଟା ବାଜିନି, ମୁଁ ଯଦି ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ବି 9ଟାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହାନ୍ତି 6ଟାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆରାମରେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲି, ଆରାମରେ ଦିନ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାକେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆସିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମୁଣ୍ଡିଆମାରେ, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆମାରିକି କହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେନି। ମହାପ୍ରସାଦ ନେଉଥିଲେ ବୋଲି, ଆପଣ ହାତରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଥିଲା ବା ପାଖରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଥିଲା ବୋଲି ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବା ହାତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେଉଁଟି ଘର ପାଖରେ, ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫୁଲଟିଏ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲଡ଼ୁ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଖିଲା ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ବି ପାଖରେ ଥାଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ଆପଣ ଅନୁଭବ ନିଜେ କଲେ। ଯାହା ହେଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଆସି ଲମ୍ବୋଧର ତ୍ରିପାଠୀ। କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ଧରିଲେ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର, ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଭାଇ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର, ସମସ୍ତେ ତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବି ସବୁ ଦେଖେ, 4-5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆସିଥିଲେ, ସାଜିତ ସାର ଥିଲେ, ଏଠି ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହିଥିଲି। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଘରର ବଡ଼ ଭାଇ, ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ବି ଭାଇ ହଉ, ଆମେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନା, ଘରର ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ, ତା'ପରେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ମାଆ, ଆଉ ଇଏ ତ ମହାପ୍ରଭୁ, ଇଏ ତ ମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦେବତା, ବଢ଼ିଆ ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ତା ପାଖରେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଭୁଲନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଦୁଃଖୀ ଯିଏ ତା ପାଖରେ, ସୁଖୀ ଯିଏ ତା ପାଖରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ଆମର ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଆମ ସୀତାରାମ ସାର୍, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି, ଆମର ରାତି 3ଟା ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରେ, ମୁଁ 3:30-4:30 ସୁଦ୍ଧା ଉଠେ, ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଟିଭିଟା ଲଗାଏ। ମୋର ଯେଉଁ ଟିଭିର ପଇସା ସରିଥିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ କହିବି କେବୁଲ ହେଲାକୁ ମୋ ପଇସାଟା ଯେମିତି ଆଗ ଦିନ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ବରଂ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ଆଗରୁ ପଡ଼ିଯାଉ। ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନ ଦେଖିଥିବି ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ, ସେଦିନ ପୁରା ଦିନଟା ମୋର ବେକାର ହୋଇଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନଟା ଯେମିତି ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ପହଡ଼ଟା ଖୋଲିବ, ଆଉ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ, ଇଏ ସବୁ ନିହାତି ମୁଁ ଦେଖିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ପରେ ମୁଁ 5ଟା ବେଳେ ଦୋକାନ ବାହାରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଘରେ ବି ବନାଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ କରୁଛି, କରୁଛି ଘର 2ତାଲା 3ତାଲା ଘର କରୁଛି, ମାନେ ମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବି କରିଛି 2ତାଲାରେ, ତଳେ ଆମ ଠାକୁର ଘର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ଠାକୁର ଘର ସବୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ କରିକି କ'ଣ କେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସିଲା ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡେଲି ମୁଁ ଦେଖିବି, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ରଖିବି, ସେଇଟା ଯୋଜନା ବି ଚାଲିଛି, ଘର କାମ ବି ଚାଲିଛି। ଘର ଭିତରେ ଆସ୍ଥାନ କରିବେ, ସିଂହାସନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ବସିବେ, ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏହା ସତ୍ୟ। ପ୍ରତି ଘରେ ଘରର ଠାକୁର ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଘରର ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଘର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ହୃଦୟରେ ଯିଏ, ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ଯିଏ ରଖିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି? ବହୁତ 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 କିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ। ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରେ, ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରେ, ପ୍ରାୟ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ଯାଏ, ଆଜି ବି ଯାଉଛି, ସ୍ୱର ନନା ପରିବା ଦୋକାନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଥରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ବେଙ୍ଗଲ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲି, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବି ଆଜି ବି ଆସିଛି, ସେ ଛୁଆ ଆମର 14-15 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି, କାଇ ବୋଲି ଡ୍ରାଇଭର ଆମର। ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଖଡ଼ଗପୁର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ଆମ ଚକାଟା ବଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଟା କୋଡ଼ି ରାତି ଥାଏ, ଶୀତ ଦିନ ପୁରା
पूरा अंधार राति कुड़ी पड़ता है मैंने वन बै वन रोड गाड़ी पछर आस मझा मझे गाड़ी पूरा ढाई मो सब पिकअप गाड़ी था मझेर गाड़ी ढाई गाड़ी जो पंचर टाइम गाड़ा गाड़ सैड कर स्टेपिंग लगे कि आउ ड्राइवर गाड़ी उठाऊँच मुझे किसी बाट आगे आसिक गोटे डाल धरिक गाड़ी गुटा आस कार्ड माड़ हो डर में रखी महाप्रभु को डाकुच प्रभु बचे दि मैंने आज कमी आम जी गाड़ी गुटा जी सैड कर देखुची गोटे गाड़ी आसूस मो सामन मत चढ़ेदेव चढ़ेद मो ड्राइवर हेटे डाकुच ना तुम पलैस मुझे देखुची मुझ किसम पर देखा बेलू आपे आपे पूरा उपरक कमी उठी आसल मुझे जापारे से गाड़ी आसी मरियागर सैड मारिकी सी भी छुआ ढेगला गोटे पोल को बाड़ी मैंने पूरा सामनार से जहाँ से बाड़े जा गाड़ा से दिन महाप्रभु से जान ली जहाँ महाप्रभु मैंने सब मैंने कहला आखिर लुह आसी से रात से जाए से रात आज पर्यटन मोर गोटे अभुल राति महाप्रभु को से दिन मुझे भूली पड़े से कहीं महाप्रभु जिते बड़े आसे का गत का कथा मो सान पु पलब एवं एक तारिख से तार प्लस टू पड़े गुणपुर बड़ पु को नहीं आसते आग थे चार पाँच मस पूर्व से भुवनेश्वर पड़ू ये आसल सहित भी शेषदेव सात अनुभूति होता ममिता माँ माँ को भी ढेर कथा कही सब बड़े मुझे देखुची आपन को से कथा आम बजरंग सतपथी सार जैक पद्मनाथ त्रिपाठी जैक आम अच्छा प्रवचक जैक चारज अच्छा चार प्रवचक महोदय प्रवचन मुझे प्राय रथ प्रवचन बागुड़ा सब कि शुणी जहा हूँ आप जय जगन्नाथ टीवी रा समस्त परिवार को चिन्ह विशेष भाव जगन्नाथ को चिन्ह थी एम को सब प्रथम जगन्नाथ मुझे नमिता माँ महाफेन मैंने जो मैम थे देखुए स्वर मोहर केत के स्वर जाती स्वर नना पर दुकान पर व्यवसाय छुटिया व्यवसाय कैर कला संस्कृति लाइन में मोर थी संस्था भी था जत्रा बाट भी था जहाँ सी तो पुराणापाई मोर से संभाल पारे सब व्यवसाय भितर महाप्रभु को अनुभव कर नमिता माम को मन रखिंट आ प्रत्येक गीत शुणतीमर सब गीत माम को गीत न शुणिले मो पूरा गोटे दिन मैं न शुणी कि किसी लाइन फाइन न थी कि कौन नाने से दिन गोटा मोर पूरा बेकार आम घर भी सी भी देखे मो स्त्री जी से भी ममता माम को भारी फैन वास्तव में महाप्रभु को दर्शन करेंगे जदि कालिया पाखे भक्त नहांती से आनंद कौन पाइबा जहा धन्यवाद देवी जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ रामनाथ परीक्षा कौन भीष्मगिरी गंजाम जिला गंजाम रु भीष्मगिरी गोटे ना सेमती कहीं भीष्मगिरी कहीं रही कि भीष्मंकर ना भीष्मंकर किसी नुहे तार भीष्मगिरी बोली तार ना हूँ भीष्म पर्वत से जो गिरी गिरी माने पर्वत भीष्मगिरी भीष्म जहाँ स्थापन करदे ता ना है भीष्मगिरी से भीष्म नाम अनुसार जा हूँ पवित्र परिवेश थिबो निश्चित भाव कौन कर ना मो तो ये करता है सर्विस करता है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रे थाए आउ मो घर होची भीष्मगिरी मो बर्तमान रहूची ब्रह्मपुर रे अच्छा ब्रह्मपुर रे रहूची आज केमती प्रभुंकर कालियार दर्शन करबा को मन भितर आग्रह हैला ना प्रति मास रे प्रति ये रे मते जेतोले ये होए से डाके मु आसे के डाकंती जगन्नाथ जेतोले जगन्नाथ डाकंती जाओ भक्त बंधु ए कथा को दृढ़तार सहित आमे स्वीकार करबा कारण महाप्रभु का जने सिना भक्त मिछ कहे कि सेमती कहीदे जी भी आसला भक्त आम प्रथम रु आरंभ कर शेष पर्यंत समस्ते कहते महाप्रभु डाकंत बास्तव में यह सत्य महाप्रभु जो डाकंती तो ताे अस्वीकार करूनु असत्य बोली सत्यता हिं कि आपत बुझे महाप्रभु आज डाकिले जीवा क्षेत्र को कि कम थी आसवाक इच्छा थे भी आसी पार नए ना ना मोर से गोटे नातुणी नातुणी बर्थडे आसलु मोर आगुरु थी मुझे आसवि कह जगन्नाथ नवमी दिन आसती ये जो बाहुड़ा नवमी दिन आपर आसी पारे मु देखिपारे बाहुड़ा को आसी बोली बाहुड़ा को आसी आसीपारे जिते बड़े बाहुड़ा को चिंता करते आसवाक रथरे टे देखी था मन कष्ट बोली आज पुणी पलि आज्ञा आज्ञा आज मु भगवान को डाकिली जे बहुत मनरे उद्वेग थाए के आसबू कौन करू आ मत तो 74 वर्ष होगा मु बहुत 10 वर्ष 12 वर्ष रु देखी ये पूरी की मु प्रति मसे बर्षे दि वर्ष देढ़ वर्ष 6 मास 8 मास एम आसे आठ भी मुझे बहुत दिन
दस वर्ष बार वर्ष आपन को जिते बड़े से जगन्नाथ सहित संपर्क रखिंट 74 वर्ष है कि पुरीर आप नुहति पुरी रे रही थी मुझे भावी महाप्रभु को देढ़ वर्ष रही थी वर्षे देढ़ वर्ष महाप्रभुरा बहुत गुड़े अनुभव कर महाप्रभु को जिते बड़े रही पुरी में देढ़ वर्ष अनुभव कर कौन अनुभव पाई आज कहते कहींपर बहुत गुड़े जिन जहाँ कि सी देते सब तारी कृपा से जहाँ मत दे मुझे बेचुलर था बेचुलर भी जहाँ मागिच जहाँ कही जहाँ सब सी दे कौन सार कहार ये ना मानने बर्ष बर्ष चली सब कथा कही हेनी बहुत 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 जय जगन्नाथ बहुत गुड़े कौन न दे कौन नई कौन कह मो जीवन आरंभ रु शेष पर्यंत नतमस्तक पाद तले शरण प्रत्येक मुहूर्त आप जगन्नाथ पाई आज तक पदारबिंद मथा को नईवा को पछौ ना सर्वदा प्रभु पाखे नतमस्तक है प्रभु प्रति विपदर उधार कर सब मत के विपत्ति आसी जदि आसी बड़ बड़ विपत्ति आसी से उधार कर दे मुझे कही पार मोर सी जो आसिक जो पाखे बहुत मानने गाड़ी एक्सीडेट से अमक सम बहुत माँ कही हम 74 वर्ष लंबा कहानी ता भर मुझे मैंने कौन कह सब तो तार मुझे कौन सब जो जहाँ ना सबू तार आम ठीक कौचे आपन जोटा कहते से भूल नुह तथापि आम जीवन पाइचे जीवन भी रही जो कहले सड़क दुर्घटना ता प्रकाश कर किसी दुविधा ना कारण मुझे एमती किसी घटना घटी थी से कथा कौन जो सड़क दुर्घटना कथा कहते कौन है थे मत 20-22 वर्ष हम से बस कम्युनिकेशन बहुत सुविधा न था से कौन मोहना मोहनार मु फेरु थाए फेरला मुसी ब्रह्मपुर आसे ब्रह्मपुर को गोटे किलोमीटर देढ़ किलोमीटर अच्छी से टाउन को प्रवेश करिया समय रे से जो बस आसला से बस कौन है ब्रेक फेल कौन हो गला से जमी भितर गड़ेदेला मुझे से जय जगन्नाथ कहीकि जो सीट रे बस थी से ऊपर उठी से रड टाक धरिकी पूरा छिड़ा हो पड़ी से गाड़ी पाल्टी हवा कथा खाले रे पड़ी भी से ठिया हो गला जोटा कि कह असंभव से किए कला मुझे बुझीपी से गाड़ी ठिया हो गला इलेक्ट्रिक पोल 11 के पोल लाइन टा थाए से पोल जाए बाड़े होता जोटी की सीट भी फायरिंग होता मात्र से नई से गाड़ी ठिया हो जाओ धन्यवाद देवी आपंकर अनुभूति जय जगन्नाथ टी देखे ये देखे नमिता अग्रवाला ये देखे बहुत भल लगे मो नातुणी भी देखले डांस करे तार बर्षकर छुआ सी भी डांस करे नमिता अग्रवाला गीत गाइल खाई दिए से गीत शुणी शुणी जहाँ नातुणी भी आप सहित रही न खाऊ नमिता अग्रवाला गीत शुणीदे खाईदे पिला भी एत भल पाँ आज्ञा 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 जाओ बहुत बहुत धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ किरण परीक्षा ब्रह्मपुर कौन कहे आज प्रभु तो दर्शन करके आसिले दर्शन कर पारे से इच्छा बहुत इच्छा थी दर्शन करने को भाभी दर्शन करी खाली बड़िया भाई की दर्शन कर पारि आउ किसी कर पारे बहुत गहली भितर पशिया को आई पारे मत बहुत इच्छा सब पूरी दर्शन कर जगन्नाथ मो पाखे सब साहस भरोसा आ जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी आँ कहार सब जो पाखे रेके जोड़ी डाकिले जोड़ी कहले सब जगन्नाथ इच्छा रे सब जगन्नाथ को ऊपर छाड़ी दे जगन्नाथ एत कहीं विश्वास आसला के विश्वास आसला जगन्नाथ प्रति सब सी बोले आप मत प्राय 30 वर्ष आसी जो इच्छा भगवान जहाँ मुझे जहाँ मुझे करगवान मोप से मुझे चाहे जहाँ करगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुम आपण जिते बड़े जगन्नाथ अनुभव कथा कहते कांद बहुत कष्ट लगे मुझे दर्शन पाई मुझे बहुत खुशी हो खाली दर्शन मत दरकार बहुत दर्शन रे कौन आप अनुभव करती दर्शन न पाइले कांदती दर्शन पाइले खुशी हम दर्शन कले सी गोटे मनटा गोटे ये विचलित खुशी हो अधिका जगन्नाथ गोटे खुशी पड़ी आस जदि टे दर्शन ना टे मनटा बहुत कष्ट लगुच गोटे भूल
କରିଦେଲି ଭଗବାନ ପାଖରେ କି ମୋତେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଲେନି ବୋଲି ସିଏ ଗୋଟେ ମନକୁ ଭାବନା ଆସୁଛି ଆଉ। ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା, ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଉନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା, ଦେବତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା, ନିଜର କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଯଦି ନିଜର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା କି ସେଇ ଛଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭଗବାନ ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା କି ମୋତେ କାହିଁକି ଆଜି ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବିବି ସବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ଖୋଜି କାଢ଼ିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବେ, ନିଜର ତ୍ରୁଟି ଆଗ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ନିଜର ତ୍ରୁଟି କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବା, ନିଜର ହଜାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ବି ବହୁତ ଭୁଲ ଥିବ, ପର ଭୁଲଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିବେ, ମୋତେ ନିଜର ଆଗକୁ ପାଞ୍ଚଟା ଭୁଲ ଥିବ, ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ମୋତେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେନି। ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ସିଏ ତ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସଂସାର କୋଟି କୋଟି। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲିଦେଲେ ସରିଲା ପାଇଠି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜାଗା ମିଳିଗଲା, ସେତିକି ହେଇଗଲେ ସରି। ଆଉ ସେତିକି ଯାହା ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଆପଣ କହି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗେଇ ନେଇଛି, ବହୁତ ଆଗେଇ ନେଇଛି, ଆଉ ମୋର ପରିବାର ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ। ଭଗବାନ ସେତିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଏତିକି କହିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେତିକି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗୁଣି ଆପଣ ତ ପରିବାର ପାଇଁ ମାଗିଛନ୍ତି, ସଂସାର ପାଇଁ ମାଗିଛନ୍ତି, ସଂସାର ସୁଖୀ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ତ୍ରୁଟି କରିଛି ବୋଲି ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ତ୍ରୁଟି କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ନିଜ ସ୍ୱୀକାର ଅନୁତପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବଡ଼ କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।